अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिज़ाइनर तस्नीम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लेमन ड्रेस। एक बार आप इस तरीके को ज़रूर फॉलो करें क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और इस तरीके को आप कभी भी कहाँ पे भी नहीं देखा होगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें तो आपको इस तरह बहुत ही यम्मी लेमन ड्रेस का स्वाद एंजॉय करने को मिलेगी। तो सबसे पहले हमें एक बार इंग्रेडिएंट्स को देख लें। राई, चना दाल, ज़ीरा, सॉल्ट, एक बड़ा साइज प्याज, 5-4 मिर्च, हमें इसमें आधा नींबू को यूज़ करेंगे, हरा धनिया, करी पत्ती, हल्दी, थोड़े से पीनट्स और ऑयल। हमने इंग्रेडिएंट्स को तो देख लिए है, तो चलिए इसको बनाने के और बढ़े। तो इसमें से आधा प्याज को मैंने डाल ले रही हूँ मिक्सर जार में और हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़े से पीनट्स डाल के हमें इन सारे चीज़ों को कच्चा पच्चा पीस लेना है और बचे हुए चीज़ों को हम बघार में डालेंगे। ये देखिए, मैंने इन सारे चीज़ों को इस तरह कच्चा पच्चा पीस लिया, तो चलिए इसको बघार डालें। तो इसके लिए मैंने स्टोव पे एक पैन रख लिया है, उसमें मैं डाल ले रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के ऑलिव ऑयल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हम डालेंगे थोड़े से राई, और ज़ीरा, और 1 टीस्पून चना दाल डाल के हमें इसको 30 सेकंड के लिए सॉटे कर ले। और उसमें हम डालेंगे बचा के रखा हुआ प्याज, करी पत्ती डाल के हमें प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन होने तक इसको मीडियम फ्लेम में भून ले। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है और उसमें हम डालेंगे ग्राइंड करके रखा हुआ मिक्सर। और भी मज़ेदार रेसिपियों के लिए अब तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगी। डाल के इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और इसको 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में भून लेना है। हमें इसको 1 मिनट भूनने के बाद इसमें डाल लेना है थोड़ा सा हल्दी और बचा के रखे हुए पीनट्स और थोड़ा सा सॉल्ट स्वादानुसार और आधा नींबू। इसको बनाने के लिए बहुत ही कम समय लगता है, ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है और उतना ही टेस्टी रहता है। उसमें मैं डाल ले रही हूँ थोड़ा सा जीरा मेथी पाउडर, इसको मैंने घर पे बनाती हूँ, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डाल के इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप से 3/4 कप चावल को लेके इस तरह खाना बना के रेडी से रखा है, उसको ऐड करें। आप इसको रात के बचा हुआ खाने से भी बना सकते हैं। डाल के इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये बनके तैयार है। आखिर में अब इसमें हमें ऐड करेंगे बचा के रखा हुआ हरा धनिया ऊपर से डाल के एक बार अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए, मज़ेदार लेमन राइस हमारा बनके तैयार है। अब इसको तुरंत बनाइए और इसका स्वाद एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरे चैनल में अपलोड किए हुए कौन से भी रेसिपीज़ में कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो चलिए अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लें। तो ये रही आज की हमारी रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।